कुमारहट्टी में रेस्टोरेंट की बिल्डिंग गिरने के बाद अब प्रशासन की आंखें खुल गई हैं। शहर में एक तरफ जहां खतरे की जद में आई बिल्डिंग को खाली करवाया गया है, वहीं धर्मपुर में एनएच के साथ ही एक बहुमंजिला भवन को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कुमारहट्टी में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन अब सतर्क हो गया है। हादसे के बाद अब एसडीएम रोहित राठौर ने कालका शिमला एनएच 5 पर बनी बहुमंजिला इमारत को गिराने के आदेश जारी किए। कारण ये कि ये बिल्डिंग एनएच के ठीक ऊपर पहाड़ी पर बनी है और कुछ समय पहले भूस्खलन की जद में भी आ गई थी। हमारे ध्यान दिलाया गया था कि धर्मपुर के पास एक 4 मंजिला मकान है जो काफी ज्यादा डेंजरसली कंडीशन में हैंग कर गया और वो कभी भी एनएच के ऊपर गिर सकते हैं और उससे जान माल का नुकसान हो सकता है। जैसे ये पत्र प्राप्त हुआ, त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार कसौली को मौके पर भेजा गया और उनकी रिपोर्ट आने के बाद उनका जो आशंका थी वो सही पाई गई और उसी के चलते जो है एसडीएम ऑफिस द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि वो जो डेंजरसली हैंगिंग घर है उसको 3 दिन के अंदर तोड़ा जाए और ये सारा की सारी कार्रवाई जो होगी वो तहसीलदार कसौली की देखरेख में और एसएचओ धर्मपुर की देखरेख में होगी। कुमारहट्टी में हुआ हादसा बेहद खतरनाक और दर्दनाक था। अब इसी से सबक लेते हुए प्रशासन ने एनएच 5 पर बनी बहुमंजिला भवन को गिराने का निर्णय लिया, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्यों प्रशासन हादसे के बाद ही जागता है, क्यों हादसा होने से पहले उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं। सवाल बड़े हैं और इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। सोलन से योगेश कुमार की रिपोर्ट।